एशियन गेम्स रे भारतीय शूटिंग टीम रो प्रभावी प्रदर्शन जारी रही तबे 22 जनिया ए टीम टू केते पदक आशा करा जाय पारे का उपर खास नजर रहिबो अधिक आलोचना पई आम सहित जुड़ी होती पूर्वतन खेलाड़ी तथा भारतीय टीम रो कोच दीपक कुमार दुबे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्गस न्यूज को। आपका व्यू क्या रहेगा जो भी मेडल विनर्स रहे यस्टरडे की बात करें या फिर आज भी भारतीय शूटिंग टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या व्यू रहेगा जो भी मेडल विनर्स रहे हैं? पहले तो मैं सभी मेडल विनर को बधाई देना चाहता हूं और देशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एशियन गेम्स में शूटिंग के क्षेत्र में हमने गोल्ड मेडल टीम स्पर्धा में एयर राइफल मेन इवेंट में लिया है और वो भी विश्व रिकॉर्ड के साथ में लिया है और इसको हमने चाइना को हराया है जो चाइना ही आयोजन कर रहा है इस खेल का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें अभी तक एक टीम गोल्ड के साथ और एक एयर राइफल में ऐश्वर्य प्रताप का ब्रॉन्ज भी आया है और कल जो प्रतिस्पर्धा हुई थी एयर राइफल वुमन में उसमें भी हमें एक ब्रॉन्ज मेडल प्लस टीम सिल्वर आया है। चीन में जो टीम गया है आपको क्या लगता है कितने मेडल जीत सकती है और पिछला जो रिकॉर्ड है भारतीय निशानेबाजी टीम का वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा? अभी तक जैसे पदक तालिका में इंडिया अपना रैंक बना रही है और ओवरऑल जितने भी खेल हैं सभी में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। अगर मैं शूटिंग की बात करूं तो जैसे पिछला हमारा जो एशियन गेम्स था उसमें हमें 9 मेडल मिले थे, लेकिन अभी जैसे शुरुआत है आपने देखा कि एयर राइफल मैन एंड वुमेन में टीम और इंडिविजुअल दोनों मेडल मिले हैं। आज रैपिड फायर में भी हमें क्या नाम है टीम ब्रॉन्ज मिला है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ अभी भी इवेंट बाकी पड़े हुए हैं तो हम पिछला रिकॉर्ड तो तोड़ ही रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कम से कम हम 15 मेडल शूटिंग से एशियन गेम्स में भारत को दिलाएंगे। अगर मेडल होपफुल्स के बारे में बात करें तो किस खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा नजर रहेगा आपका? तो अभी जो आने वाले इवेंट हैं एयर पिस्टल मैन, एयर पिस्टल वुमेन, 3 पोजीशन मैन एंड 3 पोजीशन वुमेन, स्पोर्ट्स पिस्टल वुमेन और साथ में शॉटगन के इवेंट, ट्रैप और स्कीट इवेंट। तो अभी जितने भी इवेंट्स हमारे होने वाले हैं इसमें हमारे सारे खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा वो तैयार हैं, वर्ल्ड रैंकिंग पे हैं। और अभी आपको बताना चाहूँ जैसे ऐश्वर्य प्रताप है उनका मेन इवेंट तो 3 पोजीशन है और हमारे साथ 2 खिलाड़ी और हैं 3 पोजीशन के, अखिल शिराव जिन्होंने अभी रिसेंटली में इंडिया को कोटा दिलाया है ओलंपिक का पेरिस 2024 का, वो भी टीम का हिस्सा है। साथ में उनके हैं स्वप्निल, उनके पास भी कोटा है। तो 3 पोजीशन की टीम काफ़ी स्ट्रांग है हमारी मेन की। साथ में अगर 3P वुमेन की बात करें तो सिप्त शामरा है जिनसे उन्होंने कोटा लिया हुआ है और रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। उनके साथ आशी चौकसी जिनको अभी पिछले टीम मेडल मिला हुआ है तो मोटिवेशन उनका भी काफ़ी हाई है। और इसके साथ में आपको देखना होगा मनु भाकर हैं जो पिछला उनका काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, ओलंपिक तक वो पार्टिसिपेट किया हुआ है उन्होंने, तो उसमें उनके साथ हैं रिदम शांगवान और इनकी जो जोड़ी है वो काफ़ी हमें उम्मीदें हैं कि वो भारत को स्वर्ण पदक दिलाएंगी। और साथ में है शिवा नरवाल जो यंगेस्ट टैलेंट है इंडिया का एयर पिस्टल में, उन पर भी निगाहें हैं कि वो भी भारत को इंडिविजुअल मेडल दिलाएं और टीम प्रसिद्ध बने तो उनकी काफ़ी टीम काफ़ी स्ट्रांग है। अगर भारतीय टीम की बात करें तो किस खिलाड़ी ने आपको अभी तक अपने प्रदर्शन से सरप्राइज किया है? वैसे जो हमारे भारतीय दल गया हुआ है निशानेबाजी का उसमें जो यंग टैलेंट है रमिता जिंदल, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ पे। जो बेसिक स्कोर उन्होंने दिया 631.9 ओवरऑल वो सेकंड आई और फाइनल में भी उन्होंने अपनी जगह थर्ड बनाई और हमारे साथ उनके साथ उनकी जो टीममेट थी मेहुली घोष उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर भी किया और उन्होंने इंडिविजुअल 4th रैंक लिया। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि एशियन गेम्स में जगह बनाना रमिता ने एक साहसिक या यूं कहें कि रमिता ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय दल की उम्मीदें जगाई, भारत की उम्मीदें बढ़ाई। पदक तालिका में उन्होंने अपना पहला जैसा उनका एशियन गेम्स था और टीनेजर हैं और उन्होंने ऐसा इस लेवल पे आके परफॉर्मेंस दिया वो बहुत काबिल तारीफ रहा। कुछ निराशा भी हाथ लगा है जिस खिलाड़ी के ऊपर आपका बहुत नजर था लेकिन वो अच्छा नहीं किया अभी तक? जहाँ तक निराशाजनक प्रदर्शन की बात है तो अभी तक कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं रहा कि जिसने अपना बेहतर प्रदर्शन ना किया हो। सभी खिलाड़ी बहुत हाई स्किल बेस पर काम कर रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं जो इनकी मेहनत है वो मेडल में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि सारे तैयार हैं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है और आज वो
इंडिया को मेडल दिला रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई खिलाड़ी ऐसा रहा है जिसको हम ये कह सकें कि इसने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करा। कैसे देखते हैं अगर एशियन गेम्स के बारे में बात करें, शूटिंग के बारे में और ओलंपिक्स के जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, आप कैसे देखते हैं एशियन गेम्स और ओलंपिक्स जो शूटिंग के बारे में अगर खास तौर से हम बात करें तो? जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं कि एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में क्या डिफरेंस है और वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस हो जाता है, अगर मैं पिछले ओलंपिक की बात करूँ जिसमें हमारे शूटिंग के खिलाड़ी उतना प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और हमें उम्मीद थी कि हम 5 मेडल जो है वो जीतेंगे ओलंपिक में, और जो भी कारण था वो उसको उसके ऊपर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने काम किया है और जिन बिंदुओं पे हम लाइक कर रहे थे उस पर काम किया गया है। उसका नतीजा यही है कि आने वाले टाइम पे जैसे आप एशियन गेम्स में आप देख रहे हैं हम काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कमियां हमारी पिछले उसमें रही हैं ओलंपिक में, हम देखते हैं कि वर्ल्ड एरिना पे क्या चल रहा है और किन टेक्निकल खामियों की वजह से हम हारे या फिर हमारा कोई व्यक्तिगत था, इंडिविजुअल था, तो उस इन चीज़ों को दूर कर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारा सुझाव गाइडलाइन फेडरेशन को दी है और सारे कोचेज जो हैं और खिलाड़ी सब मिलकर इस पे काम किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो पेरिस 2024 होगा उसमें इंडिया का बेहतर प्रदर्शन होगा। तो ये थे दीपक कुमार दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। तो ये थिले आम सहित दीपक कुमार दुबे अधिक आलोचना करते भारतीय शूटिंग टीम को नहीं कि भाव में प्रदर्शन रही आगक क्या खास नजर रहा कहाँ केत पदक से आशा रखिंट।